हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे क्रिएट करते हैं। जब भी आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो ज़्यादातर फॉर्म में आपसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर से आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, ऐप का नाम है पिक्सल लैब। तो आप सर्च बार में टाइप करिएगा पिक्सल लैब, यहाँ पर आपके सामने यह ऐप आ जाएगी। इसका आइकन आप देख लीजिए, आपको यही ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को ओपन करिए। ऐप ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको तीन डॉट देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमेज साइज का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 35 टाइप कर देना है, और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें आपको 45 टाइप कर देना है। यानी कि पहले बॉक्स में आपको 35 लिखना है, दूसरे बॉक्स में आपको 45 लिख देना है, और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करते ही आप देख सकते हो साइज चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट लिखा गया है इस पर आप क्लिक करिए और इसे इस तरीके से नीचे रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करने के बाद आप नीचे देख सकते हो कई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको कलर मिल जाएगा, कलर आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर फिर से आप कलर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कलर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा व्हाइट कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको इस करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर आपको प्लस का बटन मिलेगा, प्लस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम गैलरी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी फोटो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो आप उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से यह फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे इसी का पासपोर्ट साइज क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप क्रॉप भी कर सकते हो फोटो को, और उसके बाद जो नीचे करेक्ट का टिक मार्क है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपकी जो फोटो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में फोटो के इस तरीके का एक बिंदु बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है। तो इस पॉइंट की मदद से आप अपने फोटो को इस तरीके से पतला और चौड़ा कर सकते हो। तो जैसा भी आपको रखना है अपने फोटो को इस तरीके से आप बड़ा घटा सकते हो फोटो को, और इस तरीके से आप फोटो को सेट कर दीजिए। फोटो सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे तीसरा ऑप्शन जो मिल रहा है आपको इस तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे लेफ्ट की साइड तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसे यहाँ से इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, और जो स्ट्रोक विड्थ है आपको इसे बढ़ाकर 7 या 8 कर देना है। इस तरीके से आप कर दीजिएगा, और उसके बाद जो सही का टिक मार्क है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हो हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट करने के बाद ऊपर आपको सेव का बटन मिल जाएगा, आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका फ़ोटो यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है सेव एज इमेज, इस पर आप क्लिक करिएगा और फोटो को सेव टू गैलरी कर दीजिएगा। आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ में आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब अगर आपके फ़ोटो के पीछे कुछ बैकग्राउंड है, लाइक कोई दीवार है या फिर कुछ अदर ऑब्जेक्ट आपके पीछे दिख रहा है, तो आप उसे किसी भी बैकग्राउंड इरेजर ऐप की मदद से इरेज कर सकते हो। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपका फ़ोटो भी इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बैकग्राउंड इरेज करने में कोई दिक्कत आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे वीडियो बना दूंगा किस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज किया जाता है। तो यही है तरीका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने का। अगर आपको इसकी साइज़ कम करनी है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप उस वीडियो को देख कर सीख सकते हो किस तरीके से फ़ोटो का साइज़ कम करते हैं और बैकग्राउंड इरेज करते हैं। तो यही है वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।